ये देखिए, ये पालक का जूस बन के तैयार हो गया है। ये पीने में काफ़ी हेल्दी होता है। तो इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। तो इससे पहले मैंने अपने चैनल पे पालक की कई रेसिपी शेयर की है। पालक की ग्रेवी वाली सब्जी है, पालक के पत्ते पकौड़ी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, काव्या किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक का जूस। तो उसके लिए देखिए, हमने ये पालक ली है, तो एक बंचे पालक है। तो इसको हमने अच्छे से धुल लिया है, और इसके हमने जो पत्ते थे निकाल दिए हैं, निकाल करके और इसको अच्छे से हमने धुला है 5-6 पानी में, क्योंकि इसमें मिट्टी काफ़ी होती है। तो इसको हमने अच्छे से धुल लिया है। और ये हमने काला नमक लिया है, ये भुना जीरा, आधा नींबू का रस है, सॉरी नींबू, और ये अदरक है, और ये काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा लेंगे हम। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप स्किप भी कर सकती हैं। तो इसको हम मिक्सर जार में इसका जूस तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसे छोटा छोटा कट करके और ऐसे चॉपर में भी चॉप करके बना सकती हैं, उससे भी जूस अच्छा निकलता है। ये देखिए, इसमें हम सारा पालक डाल दे रहे हैं, और इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। हम ऐसे ही इसको पीसेंगे, क्योंकि पालक में काफ़ी पानी होता है, तो इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। तो इसमें हमने ये नमक, भुना जीरा, अदरक हम जो हमने लिया ये डाल देंगे, और थोड़ा सा हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये अभी इतना लग रहा है, जब पीसेगा तो कम हो जाएगा। और ये नींबू का रस डालेंगे, और उसके बाद इसका हम जूस तैयार करेंगे। नींबू का रस डाल के हम इसको अच्छे से जूस इसका तैयार कर ले रहे हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में आयरन होता है पालक में, तो पालक हमारे आँखों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है, तो इसको इसका जूस पीना चाहिए। ये देखिए, ये पालक का जूस बन के तैयार हो गया है। तो इसको अब हम एक बाउल में छान लेंगे। हमने एक छन्नी ले ली, एक स्पून ले लिया हम इससे। इसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। तो इसको हम इस टाइप से देखिए करते जाएंगे। देखिए, तो इसका ये पालक का जूस देखिए बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, ये पालक का जूस बन के तैयार हो गया है अच्छे से। और इसका जो ये बचा हुआ है, तो इसको हम दाल में डाल के बना सकते हैं इसको, या हम इसको किसी सब्जी में भी डाल सकते हैं, या इसकी हम ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, और इसको देखिए हम एक ग्लास में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमने ये एक ग्लास लिया है, तो देखिए इसमें हमने ये देखिए पालक का जूस बन के तैयार हो गया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं हमने यूज़ किया है। ये देखिए, ये पालक का जूस बन के तैयार हो गया है। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी बन जाता है, काफ़ी हेल्दी होता है। इसमें काफ़ी विटामिन्स और आयरन पाए जाते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। आप अपने अनुभव भी हमसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।